सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको टिक्का बोटी बनाने का तरीका समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। आज मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगी, वो ये है कि हमने एक न्यू वीलॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है राना दील अहमद के नाम से, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो के लास्ट पर भी आप लिंक देख सकते हैं। उसको भी सपोर्ट करें जिस तरह आपने मेरे इस चैनल को सपोर्ट किया। चलिए मैं आपको बताती हूँ टिक्का बोटी किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेट करने के लिए कौन कौन सी चीजें दरकार हैं वो देखते हैं। मैंने 2 किलो जो है वो चिकन लिया है, दही 1 प्याली, और ये हमने लेमन लिए, सुर्ख मिर्च 2 चम्मच, नमक 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद चाट मसाला जो है वो मैंने 1 चम्मच लिया है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा। सूखा धनिया पीसा हुआ हमने 2 खाने के चम्मच, गरम मसाला 1/2 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1/2 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर, और हल्दी जो है वो हमने 1/2 चम्मच ली है। अब ये सारे मसाले आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी मार्केट वाला मसाला इस्तेमाल नहीं किया, मैं प्योर घर के मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए अब तमाम मसालों को मिक्स करते हैं और चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैंने एक ये खुला बर्तन लिया है, पैन। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले दही शामिल करूंगी, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला, सूखा धनिया पीसा हुआ, सुर्ख मिर्च और नमक। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये लेमन का रस, इसी तरह मैं सारे नींबू का रस शामिल कर दूंगी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, थोड़ी सी जो है वो दही मैं और शामिल करूंगी ताकि इसकी जो है वो अच्छा सी पेस्ट बन जाए। अब जो हमारा दही है वो तैयार हो गया है, अब मैं इसको मैरिनेट करूंगी। अब मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारा जो मसाला है वो इसके अंदर लग जाए। अब हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है, अब हम इसको 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 4 घंटे बाद हम इसको सीखों पर लगाएंगे और इसको पकाएंगे। अब हम इसके ऊपर लगाने लगे हैं जी, ये सीखों के ऊपर। ये आप 3 से 4 लगा सकते हैं जी, एक सीख के ऊपर है। आपने इसे लंबे रुख में रखना है ताकि ये जो जिस साइड से ये हमने इस तरह लगा लिया, ये रखते जा रहे हैं इधर। अब ये पक गए हैं, गोले बन पक गए हैं जी, अच्छी तरह ये जल गए हैं। अब मैं इसे यहाँ पर इस तरह बिखेर दूंगा सारे, ताकि ये ना बस
ये आ गया जी। ये अब हमने लगा दिया सेटअप यहाँ पर। मेरी ये ऑलमोस्ट पकने के करीब है जी, जबरदस्त जा रहा है माहौल इस टाइम। और साथ में ये हमने रखा हुआ जी घी, ऑयल घी, आप कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो साथ में रखेंगे। ये साथ में मैंने ऑयल रख दिया जी, ये हल्का हल्का गर्म हो रहा है, ये भी साथ इसकी कोटिंग करते रहेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होता जाएगा चिकन का, तो हम इसे ऊपर से चेंज करते रहे, घी लगाते जाएंगे। आँच आपने नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि ये जलना शुरू हो जाते हैं। पहले एक साइड से मुकम्मल कुक करें इसे, जब हो जाए तो फिर इसकी साइड चेंज कर दीजिए, फिर उसके ऊपर हम घी लगाना शुरू करें। ये ब्रश लगाएंगे इसके साथ, ऑयल जो जो तैयार होती जा रही है उसके ऊपर हम इसे कोट करेंगे। ये देखिए जी ऑलमोस्ट अब पक गई है ये। अगर आपको ये व्यू नज़दीक से दिखा सके तो ये देखें, अभी इसका बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त सा कलर आया जी। ये जी हमने साथ में दही का रायता बनाया, पुदीने की चटनी है और वो इसमें डाली है दही के अंदर, वो रायता बन गया। साथ में टमाटो केचप है, जो किसी ने खानी है वो खा सकता है। अब इसे उतारने का तरीका ये है जी कि आपने इस तरह इसे पकड़ लेना, कोई भी कागज़ आपने लेना है, लेकर इसको आपने इस तरह उतार, ये फिर आपने ये पकड़ना और उसको फिर इस तरह लगा कर ये आपने उतारना। इस तरह आपकी सीखें उतरती जाएंगी। और ये भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया, ये भी इन्हें भी हम उतार लेते हैं, ये भी हो गया। उम्मीद करते हैं हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो गए। तब तक हमें इजाज़त दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।